आपको पता है भी ये सिंगल रोड है और मैं कहता हूँ भाई डेंजरस रोड है, इसके ऊपर भी ओवरटेक तो भाई कतान नहीं बनती है आपकी। ओवरटेक कर रहे हो, दगादा हुई हुई हो रहा है। तो भाई ये जो बादल बने हुए ना, इन बादलों की क्या बात है। ये देखो भाई हैवी लोड भी वोल्वो ने उठाया हुआ है भाई। वोल्वो ही उठा सकता है हैवी लोड। इसके अंदर जो है ना कुर्बानी के जानवर इधर खड़े किए जाते हैं, दिबा करने वाली एक और जगह है। ये वाली जगह है मेरे ख्याल से तकरीबन, हमने आपको मैदान दिख रहा ना, ये है मुजदलफा का। इधर आके हाजी एक रात का कयाम करते हैं इस एरिया के अंदर, फिर मुजदलफा से निकल के मीना आते हैं भाई। ये मीना का एरिया भाई। भाई ये आ गया जी यखनी वाला गोश्त, सलाद और रोटी। हाँ जी गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम भाई लोगों। सो गए थे हम ट्रक के अंदर ही, अभी उठे हैं और अजानें हो रही हैं भाई, नमाज पढ़ेंगे और निकलेंगे भाई उधर काम के लिए इंशाल्लाह जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई उधर 7 बजे उधर पहुंचना है, 7:30 बजे गाड़ियों ने एंट्री मारनी है भाई। अजान हो रही है वैसे, नमाज पढ़ते हैं फिर निकलते हैं। इधर सो गए थे हम इस ट्रक में, ये देखो ब्लैंकेट मैं नहीं लेके आया था, बगैर ब्लैंकेट के सोए हैं भाई। जब सर्दी लगती थी तो हीटर, जब गर्मी लगती थी तो फिर पंखा चला देता था। इस तरह रात काटी अभी हमने। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रात अच्छी गुजरी है, नींद भी आई है। अभी निकलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, डीजल वगैरह डलवाते हैं गाड़ी में, फिर उधर निकल जाएंगे। 5:30 का टाइम हो गया है। ओके आ जाओ। तो भाई लोगों इधर हम हॉस्पिटल के बाहर आए हुए हैं और ये आर्मी का हॉस्पिटल है, और इधर जो है ना आपको वीडियो बनाने की अलाउ नहीं है, क्योंकि ममनूअल तस्वीर के स्टिकर लगे हुए हैं कि भाई आप इधर कोई भी वीडियो नहीं बना सकते। तो भाई इसीलिए हम बस अपनी बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भाई हम आ चुके हैं इधर अपनी लोकेशन पे, और सेल्समैन जो है वो भी आ रहे हैं, वो ऑलरेडी इधर ही है। उसने मुझे 4:30 बजे कॉल की थी कि भाई मैं आ गया हूँ। मैं बोला भाई हम भी पहुँच जाएंगे अभी, 7:30 बजे दोनों ओपन हो गए तो भाई जाएंगे। और सतार भाई की भी लॉरी आई हुई है, सतार भाई को तो आप जानते हो। ये देखो ये है, ये ऑलरेडी आए हुए हैं, ये सोए हुए हैं, और हिदायत भाई मेरे पीछे हैं। 3 गाड़ियां आ गई हैं भाई, देखते हैं बाकी और कौन होता है। तो ये मेडिसिन का होता है, मेडिसिन का काम है, और इधर जो है ना ग्रुप वाइज बंदे आते हैं सारे। 3000 years later। हाँ जी तो भाई लोगो हमारा काम खत्म हो गया है, तो भाई हम जा रहे हैं वापस। सामान उतर गया अभी दोनों गाड़ियों का, उधर और भी गाड़ियां आई हुई थी उनका भी सामान उतर गया है। तो भाई बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और तकरीबन 12:30 बज चुके हैं भाई, 12:30 हो गए हैं सामान उतारते। सामान तो जल्दी उतर गया था, लेकिन पेपर वर्क बहुत था भाई इधर आर्मी के एरिया में। भाई ताइफ का जो मौसम बना हुआ है ना, मैं कहता हूँ भाई चस आ गया चस। ताइफ के बादल चेक करो, बादल वाह 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 क्या बात है यार, दिल खुश हो गया वैसे। हाँ जी माशाल्लाह। तो भाई अभी हम लोगों को लगी हुई है भूख, हिदायत भाई भी आगे चल रहे हैं, मैंने बोला भाई आगे चलो हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो भाई अभी जाके कुछ ना कुछ खाएंगे भाई, सुबह से नाश्ता नहीं किया है। हाँ
भाई ये है जी ताइफ का सिटी। हम जा रहे हैं अभी सेल सगीर में, सेल वाले रोड से फिर हम निकल के इंशाल्लाह इंशाल्लाह मक्का से होके फिर जिद्दा पहुंच जाएंगे। हाँ जी, तो भाई लोगो आ गए होटल के ऊपर। हिदायत भाई को बड़ी भूख लगी हुई है। भाई ये आ गया जी यखनी वाला गोश्त, सलाद और रोटी, और ये है हिदायत भाई। हाँ हिदायत भाई, ये क्या है? मैं तो पहली दफा खा रहा है। भाई पठानों के साथ खाओगे तो ऐसे होगा, पठानों वाली रोटियां हैं। चलो ट्राई मारते हैं यार, ट्राई। ये अगर अच्छा ना हुआ ना, हाँ जी, तो भाई लोगों खाना वाना तो हमने खा लिया था, तो अभी जो है ना हम बहुत ही इंतजार के बाद भी, इंतजार करने के बाद भी हम अब पहुंच चुके हैं। भाई पहुंचे तो पहले हुए थे, तो बहुत ही इंतजार करने के बाद भी अभी डीजल की कॉल आई है कि भाई डीजल फिल करा लो, क्योंकि डीजल नहीं था, उसके लिए वेट कर रहे थे हम सास्को पेट्रोल पंप के ऊपर। ये चेक करो भाई। तो भाई हमारे और भी ड्राइवर इधर आए हुए हैं, जो उधर दूसरा ग्रुप आया हुआ था ना मेडिसिन लेके, उनमें दो तीन गाड़ियां अभी खड़ी हुई हैं, वो भी शायद डीजल का ही वेट कर रही थी। आ जाओ आपको दिखाता हूँ। भाई ये भी अपनी गाड़ी है, वो सामने वाली लोरी भी अपनी है। क्या हाल हाल सुएस? सतार भी बैठे हुए हैं डीजल के लिए। और लगे हुए हो, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ, ठीक हो? तो भैया अभी डीजल आया हुआ है, देखते हैं अभी डलवाते हैं डीजल। ये जो है ना ये अभी फुल होगा टैंकर, सतारा इसको बोलते हैं भाई। बाकी ये अपनी लोरी है, वो भी अपनी गाड़ी, वो भी अपनी गाड़ी, मतलब कि तीनों गाड़ियाँ एक ही कंपनी की, क्या बात है। तो भाई हिदायत भाई पीछे सोया हुआ था, मैं बोला यार आ जा डीजल डलवा ले, इतनी नींद करके क्या करेगा। अभी मौसम चेक करो बस टाइप का आप हैं, लाइन में खड़ो, लाइन में खड़ो। भाई इधर से जो मौसम बन के आ रहा है ना, क्या बात है यार, माशाल्लाह। much later. हाँ जी, तो भाई लोगों डीजल तो हमने डलवा लिया है और अभी निकल रहे हैं भाई सेल के रोड पे आ गए हम। आपको पता है भाई ये सिंगल रोड है और मैं कहता हूँ भाई डेंजरस रोड है, इसके ऊपर भाई ओवरटेक तो भाई कतान नहीं बनती है आपकी। हाँ जी, ओवरटेक कर रहे हो, दगादा हुई हुई हो रहा है। हाँ जी, ये वो रोड है जो आप पिछली सीरीज में देख चुके हो, जहाँ पे मैंने पंप के सामने गाड़ी खड़ी की थी नमाज के टाइम, तो पुलिस वाला आके उसने तस्वीर बना दी थी, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जुर्माना आया नहीं है। पता नहीं है देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन फिलहाल कंपनी ने नहीं कटौती लगाई है कि भाई आपका जो है ना जुर्माना आ गया या क्या हो गया क्या नहीं हुआ, फिलहाल चुप है भाई, और अलग रहे ऐसे चुप ही रहे। तो भाई ये जो बादल बने हुए ना, बादल, इन बादलों की क्या बात है। ये है जी सेल का रोड और इस पे दो ट्रैक ही होते हैं और तीसरा ट्रैक फिलहाल नहीं है, बनाएंगे भाई बनाएंगे, टेंशन नहीं है। हाँ जी, तो भाई मेरे कैमरे के ऊपर जो फ्रेम लगा हुआ है ना उलामजी का, ये बहुत हैवी है, ठीक है ना, ये लोहे का है, तो भाई इतना वजनी है स्टैंड के ऊपर नहीं खड़ता। इसीलिए देखो मैंने स्टैंड उतारा हुआ है इसका। क्या बात है भाई, क्या रेड रेड कलर के भाई फूल हैं भाई, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहता हूँ ताइफ ताइफ है भाई, ताइफ में जे चस ना आए तो फिर किधे भी नहीं चस आनी तुम। आहो
भैया लाइने चेक करो, लाइने ट्रकों की और छोटी गाड़ियों की, बहुत रश है भाई, बहुत रश है। तो भाई इस साइड पे रश इसलिए है क्योंकि मक्का से चढ़ाई चढ़ती है ना, डायरेक्ट पहाड़ से ऊपर चढ़ती है, छोटी गाड़ियों का रोड होता है अलहदा वाला, अगर किसी कोई जानता है तो उसको पता होगा, वो अभी जो है ना बना रहे हैं, इसीलिए वो वाला रूट बंद है, वो रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक ओपन होता है, ठीक है, सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक वो क्लोज रहता है क्योंकि उधर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, तो इसीलिए इस रोड के ऊपर रश बहुत ज्यादा है छोटी गाड़ी का। भाई ये चीज पता है क्या है, ये आपको जो नजर आ रहा है ना शेड, इसके अंदर जो है ना कुर्बानी के जानवर इधर खड़े किए जाते हैं जब हज का सीजन होता है, ठीक है, इधर ही खड़े किए जाते हैं। जिब्बा करने वाली एक और जगह है, ये वाली जगह है मेरे ख्याल से तकरीबन, ये जो आपको ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना वेयर हाउस बने हुए हैं, इधर जिब्बा किए जाते हैं जानवर, इस जगह पे खड़े किए जाते हैं। ये जो सामने आपको मैदान दिख रहा है ना, ये है मुजदलफा का, ठीक हो गया, ये सामने इधर आके हाजी एक रात का कयाम करते हैं इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर कयाम करके उसके बाद ये सामने आ जाते हैं मीना, ये देखो ये मीना, ये जो खेमे नहीं लगे हुए, फिर मुजदलफा से निकल के मीना आते हैं भाई। हाँ जी ये चेक करो, देख रहे हो ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना, ये बोल रहे हैं मुजदलफा स्टार्ट्स हेयर, ठीक है ना, इधर से मुजदलफा स्टार्ट हो रहा है। ये है मीना, ये मीना का एरिया भाई, देखो सारे इधर कैंप लगे हुए हैं हाजियों के। तो उसके बाद भी ये वाला एरिया जो नजर आ रहा है ना आपको ब्रिज की दूसरी साइड, ये है अरफात। हाँ जी अरफात, जहां पे हज के दिन खुतबा होता है उस साइड पे अरफात है। तो भाई इन सब एरियाज में हमने हज के सीजन में काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हाजियों को खाना देना, जमजम का काम, और उसके बाद एक जो है ना साफी कंपनी है, उसका कोल्ड ड्रिंक भी होता है, जूस और दूध वगैरह और भी बहुत सी चीजें होती हैं, कस्टर्ड वगैरह, उसके ऊपर भी हमने काम किया था हज के दिनों में, होटल का काम है वो भी। ये देखो भाई ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ना, सामने वाला जो शेड आपको नजर आ रहा है वाइट कलर का, ये है भाई मेट्रो ट्रेन इनकी, जो हज के सीजन पे सिर्फ चलती है, ठीक है ना, हज के सीजन पे सिर्फ और सिर्फ मीना से अरफात, अरफात से मुजदलफा, सब हाजियों को लेके जाते हैं भाई। ये उसका रेलवे स्टेशन है, सिर्फ हज के टाइम चलता है भाई, हज के दिनों में। ये उसकी रेल की जो है ना पटड़ी बनी हुई है, वो देखो वो सामने इतनी जा रही आगे भाई। हाँ
हाँ जी, तो भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं भी जिद्दा में। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली 2 दिन का ट्रिप लगा के भी ताइफ का, और हालत फिलहाल बहुत ख़राब है भाई। नहाना धोना भाई, कपड़े चेंज करना, सारा कुछ करना पड़ेगा भैया। मेरे ख्याल से इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करना चाहिए। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें भाई। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो भी फॉलो भी ज़रूर कर दें। इंस्टाग्राम टिकटॉक हर चीज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऐसे प्यार दिखाते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, लाइक भी किया करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। भाई कुछ इस तरह का सीन है भाई अपने होश में। भाई ये बंदे बैठे हुए हैं बाहर, हवा लगवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये है दिल तराशा, इतना बड़ा सर मेरा आ रहा है। तनवीर भाई, बिलाल भाई, क्या हाल है? ठीक हो?